उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आदाब महाराज मित्र में आपका स्वागत है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पीपल्स एंड पेरेंट्स एसोसिएशन के जानिब से चलाई जाने वाली मनाटी उर्दू एंड इंग्लिश स्कूल में आज मोरखा 24 फरवरी बरोज शनिचर को सुबह 11 बजे सालाना तकसीम असनाद और अलविदाई जलसे का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत जनाब सुबैर पिट्टू साहेब ने की। इस प्रोग्राम में इदारे के सेक्रेटरी अजीम शबीर मुल्ला साहेब, जहूर सैन साहेब, असलम पठान साहेब, डॉक्टर आमिना, अब्दुल हमीद ध्रू साहेब, यूसुफ दाखवे साहेब ने शिरकत की। खुसूसी मेहमान के तौर पर आसिफ मस्ते साहेब ने शिरकत की। हलीमा भाई झूले वाली ट्रस्ट के सदर हनीफ कच्ची साहेब, अमल एजुकेशन सोसाइटी के सदर समीर हसन साहेब ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में बच्चों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। स्कूल से वाबस्ता जो यादें जुड़ी होती है वह हर बच्चे के दिल को सौगार कर गई। बहरहाल खुशी और गम के मिले जुले जज्बात इस प्रोग्राम में देखने को मिले। सबसे बड़ी खुशी इस बात की रही कि मनाटी इंग्लिश स्कूल का पहला दसवीं का बैच 2025 में इम्तिहान देने जा रहा है। इदारे के अराकीन, HM, टीचर्स सभी दुआगो है कि मनाटी उर्दू और इंग्लिश स्कूल के बच्चों की SSC बोर्ड में नुमाया कामयाबी अल्लाह ताला अता फरमाए और ये इदारा फले फूले और ऐसे ही अपनी कौम की खिदमत करता रहे। मनाटी उर्दू स्कूल में कंप्यूटर साइंस की भी तालीम दी जा रही है, जिसमें बच्चों को MScIT का बेसिक कोर्स सिखाया जा रहा है। उसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ब्राउज़र एप्लीकेशन, कीबोर्ड एंड माउस क्या होता है, ये सब चीज़ें उनको तफसीली तौर पर, प्रैक्टिकली और तहरीरी तौर पर बताया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट आने वाली तुलबा को आसिफ मस्ते साहेब ने खुसूसी मेहमान, जो कि हमारे खुसूसी मेहमान थे, इनाम से नवाजा। जलसे के सदर जनाब जुबैर पिट्टू साहेब ने SSC में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा को 25,000 का इनाम देने का ऐलान किया। जो हलीमा भाई झूले वाली ट्रस्ट के सदर हनीफ कच्ची साहब ने भी नुमाया कामयाब हासिल करने वाले तुलबात को इनामत से नवाजने का ऐलान किया, जो कि बच्चों के कामयाबी अता करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए बहुत कुछ उनके हौसले को बढ़ाएगा और कामयाबी हासिल करने का जज्बा उनके अंदर पैदा करेगा। अमल एजुकेशन सोसाइटी के सदर जनाब समीर हसन सैयद साहब ने दसवीं की तुलबात को सिर वाले कुरान शरीफ इस प्रोग्राम में बांटे। दुआगो हूँ कि इस इदारे से ऐसा कोई दीदावर पढ़ लिख कर पैदा हो जो अपनी कौम और पनवेल शहर की खिदमत करता रहे, और जिस इदारे में वो अपने वालिदैन के साथ उंगली पकड़ कर आए थे वो कुछ बनकर दूसरे बच्चों के का हाथ पकड़ने के काबिल बन जाए, अपने मुस्तकबिल में वो इस स्कूल में आकर अपनी खिदमत को अंजाम दे। खौफ जुल्मत से नहीं हुस्न यकी से होगा, खौफ जुल्मत से नहीं हुस्न यकी से होगा, एक नहीं सुबह का आगाज यहीं से होगा, यहीं से होगा, मनाटी से होगा, मनाटी से होगा। Oh।
आज के सरकारी तकलीफ में शामिल पीपल एंड पेरेंट्स एसोसिएशन के तमाम मेहमान मेहमान ग्रामीण माइनॉरिटी उर्दू स्कूल इंग्लिश स्कूल की असातिज़ा और तालिबे इल्म का मैं एक शेर से इस्तकबाल करना चाहती हूँ। रौनक बख्शी आपने होकर शरीक बज़्म, रौनक बख्शी आपने होकर शरीक बज़्म, बंदा नवाज आपकी आमद का शुक्रिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का ये प्रोग्राम गहूम जमात की अलविदाई के लिए रखा गया है। आज इस मौके पर वो दिन याद आता है जब आप सब बच्चों ने पहली बार इस स्कूल में एडमिशन लिया और तालीम हासिल करके चले गए और आज आप 10th क्लास तक पहुंच गए हैं और आज आपको अलविदा करने का वक्त आ गया है। हर साल ये प्रोग्राम खास होता है, बच्चे गौर करें, हर साल ये प्रोग्राम खास होता है लेकिन इस साल ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि उर्दू मीडियम के साथ साथ इन साल वाराणसी इंग्लिश स्कूल का फर्स्ट बैच अलविदा होने वाला है। वक्त इतना गया स्कूल में आपको तालीम की तरबियत की और आज ये दिन आ गया है कि आज आप होने जा रहे हैं और जब ये आज का दिन आता है तो मेरे जहन में ये बात आती है कि आज आप आज से 5 साल बाद कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई लॉयर और कोई टीचर इंशाल्लाह और एक कामयाब जिंदगी गुजारेंगे। यहाँ मैं बच्चों के लिए एक शेर कहना चाहूँगी, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए और कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सब काट लेते हैं, यहाँ जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। हर साल हम गहूम जमात के बच्चों को नई कामयाबी, नई मंजिलों और नई काविशों और नई राहों की तरफ उत्सुक करते रहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से उत्सुक होने के बाद ना आप इस स्कूल को भूलेंगे, ना यहाँ की टीचर्स को भूलेंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके साथ है। मेरी दुआ है कि आप दुनिया के सबसे कामयाब इंसान बने, सितारों की बुलंदी तक पहुँचे, अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपनी स्कूल का नाम रोशन करें और जहाँ बन जाए सितारों की तरह सबसे मुनफरिद, सबसे अलग और सबसे ज्यादा कामयाब हो। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर बोले गुलजार बनता है। आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हश्तुन जमात से इस्मा शेख को आवाज देती हूँ कि वह आए और अपनी मेहनत का इजहार करें। आज हमारे स्कूल में ये जो तकरीब मुनक़द की गई है ये हमारे सीनियर्स के लिए बच्चों की वह अलविदाई तकरीब के तौर पर रखी गई है। मैं अपने सीनियर्स से मुखातिब होना चाहूँगी कि आप सब तालीम हासिल करने के लिए एक मरहले को अलविदा जरूर कह रहे हैं मगर ये तालीम हासिल करने का एक प्रोग्राम नहीं है। हमें रुख्सत होकर नई तालीम व तरबियत हासिल करके अपनी कौम और वतन के लिए अजीम आपके साथ पढ़ाई में हमारी हौसले अफजाई है। इस दौरान पढ़ाई के साथ साथ लड़ना तो बनना होती वजह कैसी छठी मीठी हम जा सकते। मैं अल्लाह ताला से दुआ करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला आपको अपने जायज मकसद में और आपकी अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूँगी। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब हार लिया जाता है। बहुत खूब आज के इस
शांतिदायी संगीत के लिए कुछ बच्चियों ने गीत तैयार किए हैं। मैं उन बच्चियों को आवाज देती हूँ कि वो आए और अपना गीत पेश करें। During this tenure, we laughed, we cried, got happy and sad.
What brings? What great brings? Sometimes someone got failed, attended conferences, parties, picnics, and some even bunk classes. My class fellow guys are some of the most amazing people I know, and I'm going to miss you all. What we are today, all are the efforts of our worthy teachers, always ready to help, academic or otherwise. You are an integral part of me, and I thank you for being there when I needed you. The building of school means a lot to me, and I am sure I can never forget it. It saddens me now that I realize I will never be coming back here again. Yes, this is the last goodbye of ours, and we have to say, as it is epic, I wish you all the very best, my mates, for future, and of course, juniors, now you are seniors, take the charge for me. Thank you so much for giving us such a lovely farewell, which will come in front of eyes, in front of our eyes, whenever we will think about our last day. I want to say my last time is not scripted. Keep in touch, my dear ones. All the best, everyone. Thank you. बहुत खूब। तब मैं माननीय निश स्कूल से 10 क्लास से अब्दुल रज़ा खान को आवाज देती हूँ कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। Today we are gathered here to celebrate
celebrate the occasion of farewell of our seniors. The last few days of school are crazy. So many emotions are flying around that you can't express the difference between excitement, nervous and grief. My respected seniors, today you are taking off from your school life and entering college life to find a long career for a bright future. There is no pain, doubt about your success. I wish you all the best. It is difficult to say, it is difficult for us to say goodbye to you all. Please never forget us. We always need you all and your assistance in the future. Also, these times are especially for boys. You all lend the hands of the teachers to take your first small steps in the school. You all cried, irritated, and ran here and there, except your classroom. You all took few months or maybe few years to adjust and to like your teachers, but today I'm sure that your teachers might have become the most special person. Teachers always try their best to teach you beyond the four walls of the classroom so that you can get innumerable opportunities for the overall development of our personality. Thanks to all the teachers who have tried their best to make the students proud. When you reach your career, I hope you will never forget your roots, your school. We will always be waiting to hear the story of your success. May you all do well in your career and accomplish all your dreams that you are looking forward to. May Allah bless you all with prosperity, health and strength. We will miss you all. Here I am ending my speech with a beautiful shayari. Duriyon se farq nahi padta, baat to dilon ki hastiyon ki hoti hai. दूरियों से फर्क नहीं पड़ता, बात तो दिलों के नजदीकियों की होती है। दोस्ती आप जैसे कुछ खास लोगों से है, वरना मुलाकात तो रोज जानो कितने से होती है। अब मैं मैनर्जी इंग्लिश स्कूल से अब्दुल रहमान खान को आवाज देती हूँ कि वो आए और अपने कलाम का ऐलान करें। Good afternoon, respected principal, teachers, and all my dear friends. My name is Abdul Rahman from Standard 10. I am studying in Standard. We are gathered here to celebrate our farewell. I would like to express my thought on the occasion of the farewell ceremony of our class. To bid goodbye is always painful, but when it is betterment for those whom we are bidding goodbye in this farewell, is full hope of best wishes. Today we have gathered here for today. This farewell ceremony and everybody is emotional. Our 10th class will take the important exam for future career and leave this school. Thank you. Thank you. अब मैं मैनेटरी इंग्लिश स्कूल से टेंथ क्लास से शेख मिर्जा को आवाज देती हूँ कि वो आए ये फैलना फैला दो। कुछ यादों को करके दफन सीने में हम आगे बढ़ चले।
खत्म हुआ स्कूल का सफर, अब हम अलविदा कह के चले। अंत में आप आके नम है गम, स्कूल की बिल्डिंग को देखकर मिट्टी दिलों को याद करेंगे हम, याद करेंगे जैसे क्लास में एक दूसरे को चिढ़ाया करते थे, सब टीचर जो हमें पढ़ाया करते थे। याद आएगी वो बातें जो क्लास के दौरान करते थे, कैसे खादर के टिफिन छुप कर और फिर एक्सप्रेशन ही चेंज करते थे। याद आएगी कभी कभी की हुई मस्ती जो शिकारियों के साथ पीती थी, वो स्पोर्ट्स की मस्ती। इन दोस्तों को हम याद करेंगे जब दोबारा मिल ना पाएंगे। आज आते हैं और स्कूल के बाद सबके रास्ते अलग हो जाएंगे। इन प्यारे टीचर्स को याद करेंगे हम, प्यारी बातें रहे ना रहे हर डाट याद रखेंगे हम। कह चले अलविदा स्कूल को दफन दिल में यादों के साथ, अब जब भी होगी सुकून की बात हमें याद आएगी स्कूल की बात। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10 साल इंतजार किया इस पिंजरे से निकलने का, जब वक्त आया निकलने का तो इस पिंजरे से मोहब्बत हो गई। थैंक यू सो मच और दिल में दिल स्कूल लाइफ एवरी लाइफ। बहुत खूब, तब मैं पनाजी उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल से राहुल समाज से एक आवाज देती हूँ शाहिद शेख को कि वो आए या अपने ख्याल का इजहार करें। कभी सोचा नहीं था
कागज जैसे शब्द हमारे दोस्तों को कभी इतने प्यार से गले लगाऊंगी। कितना कुछ सिखा गया ये स्कूल हमें, शब्दों में बना करना आसान नहीं। ऐसे आगे बना ही इन दोस्तों के साथ, अब इन्हें अलविदा कहना आसान नहीं। फिर ना जाने इस मुश्किल सी जिंदगी के सफ में कब मुलाकात होगी। ये वक्त ये लम्हे कैसे गुजर गए समझ ही नहीं आया। इस दिन ने आके हमें स्कूल का एहसास दिला दिया। फूल खिलते रहेंगे, बाग खुलते रहेंगे। अगर रही ऊपर वाले की मर्जी तो हम बार बार मिलते रहेंगे। शुक्रिया। बहुत खूब। अब मैं माना की इस स्कूल से शेख सभा को आवाज देती हूँ कि आगे अपने फैलाएं। I want to thank all my teachers that they have given us this opportunity to stand here. First, I really appreciate our juniors who work so hard to make this service memorable. I think in front of you all today deserves a promotion. This is the last time I'll be addressing myself in front of you all. I have a lot of memories of this day which shall be remain with me till my dying day. Our school has completed 10 years. Today we are celebrating our first ever year. We have lots of memories with our students. In this school we have spent best days of our lives. The character today I developed is possible only for teachers to support it and help me whenever required. I'm studying in this school for the last 10 years and I saw our school was developing very rapidly. And I want this school should develop more and more and day by day. All the staff of the teachers are very supportive and they always encourage our students to motivate and develop ourselves. This beautiful school has always been an important part of our life. I want to tell a poetry for the day. तो फिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का हमें इंतजार तो था पर उससे ज्यादा कहीं उसके आने का दुख भी। कितनी सारी यादें आज हम यहाँ छोड़कर चले जाएंगे। वो हमारा प्ले ग्राउंड, वो हमारी क्लासेस, वो मॉर्निंग असेंबली, वहाँ हमने कितनी सारी यादें बनाई। इतना कुछ छूट रहा है आज हमसे, मन करता है इन सबको यही रोकते। अब कॉलेज की भी यादें बनेंगी जिसका भी एक वक्त गुजर ही जाएगा। पर रह जाती है स्कूल की यादें जो हम कॉलेज में नहीं बना पाएंगे और जब हमें अपनी स्कूल बहुत याद आएगी। थैंक यू। बहुत खूब। अब मैं मैनाटी उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल से खान नजराना को आवाज़ देती हूँ कि वह आए और अपनी फैलान का इजहार करें। तो
That
that we are getting separated from our seniors. But at the same time, we are happy for our seniors who have successfully completed their school journey and are going to enjoy their college life. Now, I would like to dedicate a poem to my seniors. The time has come to say goodbye. We don't know it's all happening. From the core of our heart, separation we hate. But the situation is such, we have to resign to the fate. The time we spent, we can't forget. It was yesterday we had met. May all your dreams turn into real. To all of us, we remain idle. Far, far away, wherever you live, safe with joy, happiness, and bliss. You are leaving us today, but we will always remember the powerful legacy you are leaving behind. There is no doubt being a success, but be humble and down to our person. In the end, I have some inspiring lines for you. Live as if you were to die tomorrow, and love as if you were to live forever. We all wish you a happy life with great accomplishments. आज स्कूल का आखिरी दिन है। इस सफर को शुरू करते वक्त हमने कभी ये सोचा ना था कि इसे एक दिन खत्म ही करना पड़ेगा। पर देखो कल से ये सब बदल जाएगा। कल से कोई आराम नहीं बजेंगे, ना ही स्कूल की घंटियाँ। जिस यूनिफॉर्म को रोज पहना करते थे अब वो अलमारी में ही पड़ी रहेगी। वो दोस्त जिन्हें हम रोज मिला करते थे और जिनके साथ चल के स्कूल जाते थे, कल से ये सब अपने अलग अलग रास्ते पर निकल पड़ेंगे। ना कोई एग्जाम का टेंशन होगा, ना ही होमवर्क का बर्डन। ये मस्ती के दिन कल से नहीं रहेंगे। जिस जगह आना कभी हमें पसंद नहीं था, आज वहीं से जाने का मन नहीं कर रहा। कल से ये क्लासरूम के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और इनके साथ बंद हो जाएगी हमारी बहुत सी यादें जिन्हें हम यहाँ छोड़कर जा रहे हैं और कुछ जो साथ ले जा रहे हैं। इस जगह हमसे पहले भी कोई बैठा बैठा था और हमारे बाद भी कोई आकर बैठेगा, पर दिल से तो ये जगह हमेशा हमारी ही रहेगी। जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर जैसे ही स्कूल की आखिरी घंटी बजेगी हमें ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि आज स्कूल का आखिरी दिन जो है। थैंक यू। मुकाबले में जिसमें बहुत सी बच्चियों ने हिस्सा लिया था, इन खेल के मुकाबले में जिन बच्चियों ने अव्वल सुवर्ण और सुवर्ण सम्राट हासिल किए हैं, मैं उनके बारी बारी नाम पुकारने जा रही हूँ। लिहाजा उन तमाम बच्चियों से गुजारिश करती हूँ कि वो यहाँ पर आकर अपने इनाम लेकर जाए। अब मैं उन बच्चियों को दावत देती हूँ जिन्होंने रनिंग रेस में हिस्सा लिए थे और इम्तियाजी नंबरात हासिल किए हैं। उनमें थर्ड पोजीशन में आने वाली बच्ची है, सॉरी सेकंड पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची है शेख रुखसाना जुम्मन अली। सबसे पहले बच्ची को इनाम से नवाजने के लिए मैं गुजारिश करती हूँ जनाब मोहतरम जुबैर किस्सू साहब से कि वो बच्ची को इनाम से नवाजें। फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची है अंसारी शबाना अब्दुल वाहिद। मैं जनाब मोहतरम जुबैर किस्सू साहब से गुजारिश करती हूँ बच्ची को इनाम से नवाजें। शबाना शुक्रिया सर। अब मैं उस बच्ची को आवाज देना चाहती हूँ जिन्होंने बुक बैलेंसिंग में हिस्सा लिए और उनमें थर्ड पोजीशन पे आने वाली बच्ची है जोजा शुमाइला कुर्बान अली। मैं गुजारिश करती हूँ जनाब मोहतरम अजीज शफीकुल्ला साहब से कि वो बच्ची को इनाम से नवाजे। सेकंड पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची है शेख शमीमा बख्शुल्ला। फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची है शेख सानिया हुसैन।
थैंक यू सर। अब मैं उन बच्चियों को आवाज देना चाहती हूँ जिन्होंने म्यूजिकल चयन में हिस्सा लिए थे और उनमें थर्ड पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची है शेख रुमाना अब्दुल रहीम। अब मैं गुजारिश करती हूँ जनाब मोहतरम दाऊद हुसैन साहब से कि वो इस बच्ची को इनाम से लवा दें। सेकेंड पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची है बांगी रश्मि रफी, वो नहीं आई। फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची है इस्मा फिदा हुसैन। इस्मा इस्मा तेरा है मैम। वाह शुक्रिया सर। अब मैं उन बच्चियों को दावत देना चाहती हूँ जिन्होंने टायरेस में हिस्सा लिए थे और उनमें थर्ड पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची है अंसारी शबाना अब्दुल वाहिद नाजिया अली अहमद। मैं जनाब मोहतरम अब्दुल हमीद अबू मियां दुरू साहब से गुजारिश करती हूँ कि वह इन बच्चियों को इनाम से नवाज दें। फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची है अंसारी शाहीन अब्दुल वाहिद। सेकंड पोजीशन शेख सफीना जुबैर। फर्स्ट पोजीशन अंसारी शाहीन अब्दुल वाहिद। सर अब मैं जनाब मोहतरम अतीफ मस्ते साहब जो इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट है उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चियों को इनाम से नवाजे। अब मैं उन बच्चियों को आवाज़ देती हूँ जिन्होंने 11 स्कूल में हिस्सा लिए थे और उनके थर्ड पोजिशन पे आने वाली बच्ची है मुजावर दुर्दाना आसिफ। पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची है जोजा शुमाइला कुर्बान अली। फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची है शेख रुमाना अब्दुल रहीम। हासिल करके कामयाबी हासिल किए हैं उन टीम के कैप्टन को मैं आवाज देती हूँ कि वह आए और अपना इनाम लेकर जाए। सबसे पहले
सौरभ कौर की टीम विनर है, रेड टीम उनके कैप्टन है रोजाना मुजावर को मैं दावत देती हूँ कि वो आए और पूरी टीम की जानिब से इनाम लेकर जाए और इस कैंप के इनाम देने के लिए मैं गुजारिश करती हूँ जनाब मोहतरम अखिल अधिकारी साहब को कि वो बच्चियों को इनाम से नवाजे जी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ यूसुफ ठाकरे साहब को कि वो इस बच्ची को इनाम से नवाजे। उनकी कैप्टन है अगेन दुर्जाना मुजावर उसको दावत देती हूँ कि वो पूरी टीम की जानिब से इनाम लेके जाए। इस खेल से इनाम लेने के लिए मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरमा आमिना कच्ची साहबा से कि वो इस बच्ची को इनाम से नवाजे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जनाबे मोहतरम जुबैर टिक्कू साहब
से जो इस बच्ची को इनाम से नवाजे। थर्ड पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची है आयशा शेख। सेकेंड पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची है दुर्दाना मुजावर है। जनाबे मोहतरम आतिफ मद्देक आपसे गुजारिश करती हूँ कि बच्ची को इनाम से नवाजे। अजीम शफीकुल्ला साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो नहीं ख्वाहिश आतिफ मद्देक साहब से गुजारिश करती हूँ कि बच्चों को अपने ख्याल से नवाजे। आज मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है लेकिन मैं अपने आप को हासिल करने वाला समझता हूँ। मेरे भी उपाध्याय है। जब हमारी क्लास का जो टेंथ स्टैंडर्ड का अलविदाई करता था तो काफी लड़के लड़कियाँ उस वक्त है क्योंकि एक बहुत बड़ा मरहला आगे आने वाला था तालीम हासिल करने का और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप बच्चों लोगों को आगे उठाई। आज मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो स्टूडेंट है माशाल्लाह कोई ब्लैक सूट में कोई पर्पल रेड येलो अच्छे ड्रेसेस में आए हैं और माशाल्लाह लड़कियाँ भी मेकअप वेकअप करके माशाल्लाह आई है। वो दौर था हमारा जब हमारे साथ जो लड़कियाँ थी राज मिला और प्रवीण के नाम याद है तो बिल्कुल सारी सूरत है और एकदम सादगी थी मगर माशाल्लाह ये अच्छी बड़ी की बात है कि दौर बदलता रहता है माशाल्लाह याद में भी है इसके लिए ये बड़ी खुशी की बात है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे स्पीचेस हुए हैं। तो मुझे सिर्फ एक ही बात कहना है कि आगे जिंदगी में आपको बहुत सारे बदले आएंगे और उसको आपने एक ही चीज मद्देनजर रखते हुए करना है कि उस कोई एक मजबे में आपको डिफरेंट नहीं आई कोई एक बात आई आपको उसको हल करना है कैसे करेंगे। तो आपको यही सोचना है कि मजहब इस्लाम ने क्या कहा है उस बारे में उसके बाद आप अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहो तो इंशाल्लाह आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। आप हमेशा सोचना कि हमारे मजहब ने क्या कहा है इस बारे में आपको क्या करना है तो आप उस मंजिल की तरफ और कामयाब होने की तरफ बढ़ेंगे। आपको अपना खुद का डिसीजन नहीं लेना है आपको ये सोचना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहलू के बारे में इस काम के बारे में क्या कहा है उसको मद्देनजर रखकर आप अपना काम करो। ये बात आज से 40-45 साल पहले हमारे सर मखसूस सर उन्होंने ये फेरवेल प्रोग्राम में कहा था मुझे याद थी मैंने आपको सुनाता हूँ ये कहकर कि कोई मरता नहीं जुलाई में ये कहकर कि कोई मरता नहीं जुलाई में खुदा किसी को किसी से मगर जगह न करे। बड़ी खुशी की बात है कि आज उर्दू में सही आज इंग्लिश के भी बच्चे आज इसकी शहर सबसे तो पहले मैं जनाब अली मुल्ला साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इंग्लिश के लिए जो बीज बोया था आज वो एक तनाव दस्त बनकर निकला है और आज मैं बच्चों से खास करके इंग्लिश वालों से गुजारिश करता हूँ कि अभी स्कूल तो बंद हो गया मगर आपको पढ़ाई के लिए काफ़ी वक्त है विद्यार्थी आने तक काफ़ी वक्त है कि आप खूब जाकर मेहनत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लेकर उर्दू और इंग्लिश दोनों में बोर्ड में नुमाया कामयाबी हासिल हो इसमें दुआ करता हूँ। अभी आगे आप सफर जा रहे हैं तो कॉलेज जाएगा तो कहाँ जाएगा बिजनेस में जाएगा इसलिए मैं आजकल ये
सुविधाई प्रोग्राम था और उर्दू और इंग्लिश मीडियम के बच्चे बच्चियों ने अपने अच्छे अच्छे ख्याल का इजहार किया। प्रोग्राम की सबसे अहम खूबसूरत यह है कि इस प्रोग्राम में बच्चों ने परफॉर्मेंस किया वो इस प्रोग्राम की ढाल था, क्योंकि किसी भी तकरीर में तरफ़ लोगों लगेगा और बहुत बड़ी अहमियत रखता है। मुझे खुशी है कि अंग्रेजी मीडियम के बच्चों ने बहुत अच्छे असरा थे सरकारी ने दी, जिसके लिए मैं अंग्रेजी मीडियम की प्रिंसिपल आयशा जिले को जिनकी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और गौरव को है कि उनका यह पहला बेल कामयाबी और कामयाबी से हम बना होगा। अगर ये पहला बेल है और मैं तो कर सकता हूँ अल्लाह से 100% अंग्रेजी मीडियम का बेल आए। साथ में उर्दू स्कूल का रिजल्ट भी हमेशा बहुत ही बेहतरीन रहा, मुझे उम्मीद है कि इस बार वही बेहतरीन रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आखिर में बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, कामयाबी की दुआएं देता हूँ। अब उनकी जिंदगी का नया दौर शुरू होगा, उस पर एक शेर करता हूँ, नई जिंदगी है, नया सफर है, मिलेंगे नए साथी, मुसाफिर सफर में सफर करना। मेंबर मोहतरमा डॉक्टर आमिना कच्ची साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो बच्चियों को अपने ख्याल का इजहार करें, बच्चियों को कुछ दो अल्फाज कहना। अरे आप लोग सब ऑलरेडी इतने एजुकेटेड हो गए, हमसे ज्यादा एडवांस हो चुके हो, अभी हाइट हमसे ज्यादा हो चुकी है सब लोगों की। जब आए थे तभी से छोटे छोटे से थे, बहुत पैसे में आप सब लोगों को देख रही हूँ, माशाल्लाह आप एकदम प्रमोट हो चुके हो। अब उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को बोल रही हूँ, आप लोग अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग हमको रिप्रेजेंट करने वाले हो फ्यूचर में। तो अभी फिलहाल आपको अपनी पढ़ाई पे अच्छा ध्यान देना है, आपको ये प्रिपेरेटरी लीव है, स्कूल से कोई नहीं छूटता है, स्कूल के बाद में भी एजुकेशन रहती है, ये हमारे जिंदगी का जो फर्स्ट पड़ाव है इसका आखिरी स्टेप आपने अभी लिया है, जो अपना फर्स्ट स्टेज लेता है उसका आखिरी स्टेप है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेज का है, अभी आगे पूरी जिंदगी बाकी है और आगे आपको बहुत कुछ हासिल करना है और सबसे ज्यादा तालीम हासिल करनी है। फूल जो होती है, फूल को पहचानते हैं किस तरह से, खुशबू से, चांद की रोशनी से चांद पहचाना जाता है, वैसे इंसान की पहचान उसके इल्म से होती है, इसलिए कभी भी अपना इल्म मजबूत रखना चाहिए, अपना नॉलेज को एकदम फोकस करना चाहिए। हर स्टूडेंट ने अपना 100% लेना है, ये बात सभी याद रखो, और सारे स्टूडेंट्स ने अबाउट 90 के लिए कोशिश करना है इंशाल्लाह। अगर हर स्टूडेंट अपना 100% लेगा तो मुझे कोई ऐसा मुश्किल नहीं लगता है कि 90% के अभाव आना कोई भी इतना मुश्किल काम है। बस अपना 100% दो, अपने अंदर ये गिल्ट मत रखो कि यार मैंने पढ़ी नहीं थी जब हमको पढ़ना था करके, तो इसीलिए आप जितना अभी फिलहाल कोशिश कर सकते हो उतनी ना देख कर लो, सिर्फ 7 घंटा ज्यादा से ज्यादा नींद लेना है और बाकी पूरा टाइम आपको पढ़ना है, ये आपको छुट्टी मिल रही है पढ़ने के लिए, ये अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आगे आपके स्कूल का फ्यूचर भी आप लोगों से होगा, कि देखो माइनॉरिटी स्कूल के बच्चे इतने अच्छा पढ़ते हैं करके, आप हम लोग सबको रिप्रेजेंट करोगे कि हमारे स्कूल के बच्चे इतने अच्छे हैं करके, तो ऑल द बेस्ट, सब अच्छा करो। देखो लाइफ इतना बेड ऑफ रोजेस नहीं है, चैलेंजेस हर किसी के लिए आते हैं, मेहनत के बगैर कोई फल नहीं मिलता, आप मेहनत करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अपना प्रेजेंटेशन पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करना, बिल्कुल उसमें काट छाट ज्यादा नहीं करना, प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा तो मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, सभी के लिए है। और मुझे देखना है कि उर्दू मीडियम का टॉप करता है कि इंग्लिश मीडियम का टॉप करता है, इंशाल्लाह। मैडम आपको खुला चैलेंज दे रहे हैं, अब इसका एक्सेप्ट करो और इस पर मेहनत करके लिखो। इंशाल्लाह।
चाहे वो दुनिया में किसी भी मकाम पर हो, वो बहुत जरूरी काम को आसान बनाते हैं
अपग्रेडेड टेक्नो फाइलों का टेक लगाना होता है। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के साथ रिपोर्ट की हिफाजत आसान और तेजतर हो गई है। आपकी मालूम रिसाइड में सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं। तकरीबन हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। आप इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस बारे में आपका फैसला तो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है या तस्करी का गुलाम बना सकता है। इस शहर के साथ मैं अपनी छोटी सी तस्वीर खत्म करती हूँ। इसी के साथ मैं मेहरान से गुजारिश करती हूँ कि अगर कोई अपने कलम का इजहार करना चाहे। बोलना चाह रहा था कि ये आखिरी दिन आपके लिए बोल के सबसे आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं। अलग से हम लोग तभी से हम लोग आज तक सभी क्लासमेट हमेशा मिलते, बल्कि हर महीने मिलते। हमारा रियूनियन गेट टुगेदर हमारे स्कूल में भी होता है, यहाँ भी तुम्हारे को कभी आगे अलाव करेंगे। इंशाल्लाह कुछ ऐसा प्रोग्राम रहा करते जाते सब मिलने का सब कोई मेरे क्लासमेट को कैनेडा में कोई दिल्ली में कोई राजस्थान में, लेकिन सभी लोग जब भी इंडिया में आए तो आगे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप है। अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गए, डॉक्टर हमारे बच्चे 22 जनवरी को रस्ते पर खड़े थे। एक मेरा कजिन भाई जो पायरी पर बैठा हुआ था, तो पायरी पर बैठने वाला काम मत करो, पायरी पर सिर्फ बैठा हुआ था उसके ऊपर हाफ मर्डर के केस लगे जो छोड़ रहा नहीं है। उसका कसूर यही था कि वो पायरी पर बैठा था जहाँ झगड़े चल रहे थे, तो ऐसे सब काम मत करो, पायरी पे बैठने का छोड़ दो। चपड़ियों पर बैठना लड़के लोग को कहता नागे पर ज्यादा टाइम पास करना, देखो सभी एरिया बंद हो जाते थे, मुस्लिम एरिया ही खुला रहता क्यों भाई, सब जगह बरोबर टोर्चर आके बाहर नोर बाकी में लाई लेके उठा देते मुस्लिम और भी नहीं उठा दे, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम आगे नहीं बढ़े। बोलो ना भाई क्यों ऐसा, क्यों कंपनी डाल के हम लोग अच्छे से अच्छे बड़े बड़े ज्यादा बिजनेस करते, अच्छे से अच्छे हजारी पर कमा दे, लेकिन वही नारा लेकर आगे पे ऐसा वो बिजनेस नहीं करता। हम भी उनका हजारी पर ही खुश है, ऐसा मत करो एक आध दिन महीना भर ऐसा हजारी कोई बिजनेस किया पराठा हमारे मोदी जी ने बोले क्या बाबा कुछ भी नहीं रस्ते से ये कुछ भी पकड़े बेच के नहीं काम पेट पलता पलता भी, लेकिन हजारी पर मत भेजो। उसके लिए भी हमको एक होटल बकायदा लो लीजिए लेकर ऐसा परमिशन लेकर होटल जो भी होटल मैनेजमेंट करते हैं ऐसा बिजनेस करो, पहले इनको आगे बढ़ो। इंशाल्लाह दिन और दुनिया में कभी आजाद कामयाब करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे अलीबाबा डिलीवरी ट्रस्ट की तरफ से हम टॉप बैंकर्स जो भी रहेंगे उनके लिए कुछ ऐसा सरप्राइज गिफ्ट भी देंगे, कुछ अच्छा अभी ऐलान नहीं कर पा रहे, इंशाल्लाह कुछ अच्छा आएगा उनके साइड बच्चे हमारे वालेकुम अस्सलाम। हमारे
हमारे रोल मॉडल अली शबीर मुल्ला साहब, उनकी तबीयत बहुत अली है, तबीयत के लिए खासकर दुआओं को मैं तो सारे लोगों से भी इल्तिजा करता हूँ कि उनके लिए दुआ करो। देखो ये अभी एग्जाम ACC का इंडिया हमारा भी हो रहा है, सेंट्रल पार्टी मिली है, सेंट्रल पार्टी मिले देखो के काम फाइनल होता है ऐसा नहीं है। अभी तुमको ACC से दूसरे स्कूल में मुंतकिल होना है। पहले हमारे इधर जिस बिग स्कूल की बाजू में ACC के लिए प्राइमरी स्कूल, वहाँ का काम सिर्फ चौथी तक क्लास थी, पाँचवीं हम से का स्कूल है, पाँचवीं क्लास देगी, पाँचवीं क्लास से वहाँ शुरू होती है, तो हमने चौथी तक क्या प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ा, फिर पाँचवीं में आपको हाई स्कूल में एडमिशन लिया, फिर कॉलेज में हमारा भी एडमिशन लिया। और हमारा जब प्राइमरी स्कूल का दौर था तो ये इतने बच्चे लोग जो पाँच पाँच किलो के बैग लेके आते हैं, अभी छोटी सदी इसकी उम्र के पैसा तो कुछ था नहीं, हम एक पार्टी पेन लेके प्राइमरी स्कूल में आ रहे थे, उसमें भी हमने तालीम हासिल की। जब चौथी तक प्राइमरी स्कूल में जाते तो एक पार्टी ये किसी वाले आपको कहते हैं आप जो तालीम हासिल किए वो ये किसी फॉर्म भर के तीस बीस का कोई टीका खाए थे। आज के जो बच्चे लोगों को टीचर लोगों को बुरा लगा हुआ है, आप माफी चाहता हूँ, ये इतने बच्चे लोगों को बैग लाने की जरूरत ही है। छठी सातवीं बच्चे लोग जो फ्रेंड्स है वो फ्रेंड की पूछ लेनी चाहिए आने लगा, और आजकल तो इतना ईजी हो गया है तालीम, ये 20 मार्क टीचर के हाथ में रहते हैं ACC के, सिर्फ 15 मार्क या 100 में से 15 मार्क देना रहना रहता है स्टूडेंट्स के लिए, फिर इंडियन पहले प्लान भरो और 15 मार्क होते हैं, 35 मार्क तो क्वार्टर में पास होते हैं, इसके लिए तो कोई इतना एजुकेशन को हार्ड मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ACC से दे सकते हैं। हमारे दौर में जब ACC का एग्जाम चल रहा था BPI स्कूल में हमारा हम जरा भी कॉपी करेंगे दो दिन बार गर्दन के बाद में ऐसा देखते थे कि जो महाराष्ट्र के टीचर लेते थे हमारे एग्जामिनेशन पेपर ले लेते थे, 10-10 मिनट तक हमको देते थे खाली इधर उधर देखने के बाद, इसके लिए एग्जाम लेते थे दूसरे स्कूलों माइंड स्कूल की परमिशन देती। अभी हम तीसरा साल है कि माइंड स्कूल हमने ACC हमारे रिजल्ट हमारे नाम से रिजल्ट आ रहा है, वरना 17 नंबर फॉर्म दूसरे स्कूल के नाम से आपको ACBC जो दूसरे नाम रूल स्कूल है, और ये फर्स्ट बैच है हमारी ACC की इंग्लिश की, जो हमारे छब्बीस गुल्ला साहब ने जो उनकी सोच थी 12 साल पहले इंग्लिश मीडियम शुरू करने की ACC से जो शुरू की उन्होंने, आज ACC का पहली बैच ब्याज आ रही है हमारी फर्स्ट ईयर है ACC इंग्लिश माइनर इंग्लिश स्कूल में, इसके लिए तो उनको भी मैं और उनके साथ काम करने वाले को भी और सारे टीचरों को भी उर्दू मीडियम के टीचर को इंग्लिश मीडियम के टीचर को इतना एक दिन से उनका मुबारकबाद पाई पेश कर रहा हूँ और शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और एक कहानी सुनाता हूँ, जो ACC की डर और एक जो डर रहती है और एक जो दहशत रहती है उसके लिए कहानी सुनाता हूँ सांप की और चूहे की। जरा गौर से सांप और चूहा जो दहशत रहती है ACC के एग्जाम में क्या होगा क्या होगा, एक सांप रहता चूहा रहता बहुत दोस्त रहते जंगल में, तो सांप किसको बोलता है मेरे जिसम में इतना जहर है कि मैं काटूंगा तो मर जाएंगे, ये मरते इंसान मरते ये मर रहे, चूहा बोलता कुछ नहीं तुम्हारे पास तेरे देश में कुछ काट
देर को क्या करता है, तो सुबह हिसाब काटता है और बोलते तू पाजी को हो जा, आपको बोलता है चूहा तू पाजी को हो जा, तो चूहा क्या करता है उसके सामने घूमता है जिसको काटे ना रहता है बार बार से, तो ये जाता है क्या करता क्या करता देखता था चूहा ने का क्या करता चूहा ने का सिंगल अपना पैर लगा के चले जाता आगे से उसने देखो मुझे तुम्हें तू बना मेरे की सभी इतना जय नहीं ये काटा तो तू मर गया वो चूना लगा के पड़ गया आगे देख दो तो ये फिर हो जाते आगे जाते जाते दूसरा बार बार पी जाते उसको चूहा काटा है चूहा चूह गया और तो सिद्धा आपको बता कि तू उनके सामने जाए तो चाम उसके सामने जाता हूँ तब लड़के देखा क्या करना कर रहा है काम साफ से ठीका साफ सरपंच के सामने काटा उसके क्या काम फिर मर जाता जो यही खत्म करता हूँ अल्लाह ये बताए काफी तकलीफ थी बच्चों की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमीन शेख साहब ने जो ये मुमरा के फाउंडेशन के मेंबर है अमल फाउंडेशन मेरा नाम शेख समीर है अमल एजुकेशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पर आने का मकसद ये है कि ये स्कूल की जो फाउंडेशन है उनको कई साल से मैं जानता हूँ क्योंकि पनवेल से मैं जुड़ा हूँ और मुझे खुशी है मुबारकबाद दूंगा ट्रस्टियों को मैडम को जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके आपको इस मियार पे लगाया। मेरा इधर आने का मकसद ये है कि आपका हौसला बढ़ाना, आपको बहुत से टीचर्स ने मोटिवेट किया होगा कि जैसा आपका एक एम है कि आपको डॉक्टर बनना, किसी का एम है कि इंजीनियर बनना, किसी का एम है कि टीचर बनना, यहाँ तक हम क्या होता है हमारा सारा लिमिट ख़त्म हो जाती है। मैं तो आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा जो एजुकेशन की रियल पावर है, एजुकेशन की रियल पावर है, मैं मतलब अपनी ये नहीं बता रहा हूँ लेकिन आपको एक एग्जांपल पेश कर रहा हूँ। जैसे कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ लेकिन एजुकेशन की पावर ये है कि आज मैं डॉक्टर नहीं होते हुए भी मेरे क्लिनिक है और 10 रुपीज़ मेडिसिन लेता हूँ, 10 रुपीज़ भी इसीलिए लेता हूँ कि उस मेडिसिन की वैल्यू हो, नहीं तो आदमी यहाँ से ले उसको बाहर फेंक दे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है। हम कभी बोला कि हम टीचर्स हैं, हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं। एजुकेशन एक ऐसा पावर है जिसके बेस पे हम सारी प्रोफेशन को अपने कब्जे में कर सकते हैं। अब कोई आता है मिडिल क्लास फैमिली से आता है, कोई उससे नीचे आता है, तो हमारे दिल में बहुत होता है कि क्या हम ये अचीवमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो दीनी और दुनिया ही दोनों के, जैसे दीनी अगर हम चाहें तो फिर हम जैसे कोई पढ़ के नहीं है, अगर दुनिया ही आए तो फिजिक्स है, फिजिक्स बहुत लोगों को मैं बहुत कब जाए तो फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स जिसने फॉर्म आउट किया था वो एजुकेटेड एक दरख्त के नीचे बैठा कहाँ से आएगा, नॉलेज से आएगा, कोई लैंग्वेज बेस नहीं। आज मराठी है तो उसको इग्नोर करें मत, हम
महाराष्ट्र में रह रहे हैं और हमको पेपर वर्क नहीं आया तो तुम क्या करोगे, किसी को दोगे? तुम्हारी तालीम की कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारी तालीम जो है जीरो है। ऐसे कई मराठी पेपर हमारे पास आते गए, हमने उसको नहीं पढ़े। ये हमारी बेवकूफ़ी थी, अल्लाह ताला ने कुछ जरिए से वो पेपर हमारे आगे किए थे, लेकिन हमने क्या किया, उसको डस्टबिन में फेंका। उसकी वैल्यू क्या है कि अल्लाह ताला कोई चीज़ जो हमारे सामने दे रहा है उसका एक आजमाइश होता है कि बंदा किस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है। और ये तो मेरा बोलने का मतलब है, तालीम को कमाने का जरिया नहीं बनाए। तालीम एक नया ऐसी चीज़ है कि आपको कहाँ ले जाएगी ये आपको पता नहीं, उसको टारगेट करो। अभी जो वैकेशन आपकी है, जो वक्त आपके पास है, उसको यूटिलाइज करो, पढ़ाई करो और उसका एम मत रखो कि आपको 90 चाहिए। क्या आप जहाँ समझते हो कि जो यहाँ से टॉप क्लास में चले गए, जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड रैंक लेके आए, वो लाइफ में कामयाब है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसे 35% लिए वो भी लाइफ में कामयाब है, और जो 90% है तो कुछ गाइडलाइंस नहीं होने की वजह से आज ना कामयाब। तो अपने आप को प्लान करो और लाइफ में एजेंडा बनाओ। सुबह कब उठना है, पढ़ाई का टाइम क्या है, तुम्हारा एंटरटेनमेंट का क्या टाइम है, इबादत का क्या टाइम है। अपनी लाइफ के 24 घंटे को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करो। एजुकेशन के लिए अगर आपको 2 बजे से 6 बजे तक टाइमिंग है, उस टाइम में आने वाला जो भी है, आपके पड़ोसी है, रिश्तेदार है, बर्थडे पार्टी, उसको सेक्रीफाइस करो, कुर्बानी करो। और उस टाइम को नहीं है, ये मेरा पढ़ाई का टाइम, 4 से 6 आपका घर का कोई काम है या एंटरटेनमेंट का, उसके लिए आप यूज़ करो। ऐसा पार्ट बाय पार्ट, मैंने जानता हूँ आपके घर में क्या क्या डिफिकल्टीज है, तो हर बच्ची को अपना लाइफ 24 घंटे का उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जोड़ते हैं। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम लाइफ में कामयाब नहीं होते। तो हम कामयाब नहीं होते तो हम ब्लेम करते हैं स्कूल पे, मैनेजमेंट पे और हमारी पढ़ाई पे। टीचर्स जो है वो बेचारे आपके पास आने से पहले घर का सारा काम, उनके बच्चों को देखने के बाद, सारी कुर्बानियाँ घर की देने के बाद आपको प्रेजेंट करते हैं, आपको अपना वक्त देते हैं और बच्चे जो हैं चले जाते हैं उसके बाद दूसरे आने वाले बैच के लिए तैयारी करते हैं। तो उनकी एक बहुत बड़ी कुर्बानी है, तो इनको कभी नहीं भूलना। आपके लाइफ में कभी आप सक्सेस होते हैं, कुछ होते हैं, तो इनको आके मिलें, इनके साथ राय मशवरे दें, इनके साथ दें, क्योंकि यही बैकबोन है आपके, जिन्होंने आपको ज़िंदगी क्या होती है वहाँ से लेके किस स्टेज पर खड़ा किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ना अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले और मैं वापस से ये बच्चों को एक तरक्की के रास्ते पे देखने की उम्मीद करता हूँ।